बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइंस, घूसे पड़ रहे हैं, धड़ाधड़ असर हो रहा है बराबर। वाह वाह वाह, क्या शेर फोड़ा है भाई। वाह भाई, देखें असर हो रहा है, नजर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने आप पे, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर। बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही किया मैंने, और वो सब कुछ नजर आया रिजल्ट। ठीक है, आप कुछ इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक की तरफ बढ़ूं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है कि सीमा हैदर का जो पंडित था वो मुकर गया, उससे क्या असरात होंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कुछ लोगों को ज़रा बता दूं कि मोमिन मलिक साहब ने कल शाहिद भाई की लाइव में जो जो बातें की हैं, जो जो हम आपस में मुआहदा तय हुआ है वो बरकरार रहेगा, लेकिन उस वक्त तक जब तक हमारे ऊपर उंगली ना उठे। हमारे ऊपर उंगली उठी, हमें भनक पड़ गई, खासतौर पर मुझे बाकियों की मैं गारंटी नहीं लेता, बाकी लोग तो शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं फिर जो है शुरू हो जाऊँगा। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि मेरी वजह से जो है वो केस खराब हो रहा है, अरे भाई चलो निकलो यहाँ से, ठीक है हटो इधर से, मेरी वजह से केस खराब हो रहा है। वो थे ना स्कूल के अंदर कुछ जो होते टीचर्स के चहीते, मतलब नंबर्स हासिल करने के लिए टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, जी जी सर छोड़े सर, सर सर आपको बाथरूम आ रहे, सॉरी आप जाइए, आप बैठिए, मैं आपके तरफ से बाथरूम करके आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। ठीक है, मिसों को जैसे कुछ खाने पीने का लग रहा है, सर सॉरी मिस आप बैठिए बैठे, आपको भूख लग रही है ना, मैं समोसे खा लेती हूँ आपकी जगह पर। वो लोग जो होते हैं ना, तो वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये इस तरीके से चापलूसियाँ करके ऊपर तो बढ़ जाते हैं, रैंक्स ले लेते हैं, मेडल्स ले लेते हैं, लेकिन इनका फ्यूचर होता है डार्क। ठीक है, जबकि बैक बेंचर्स जो बैठे हुए होते हैं या सेकंड या थर्ड रो में जो बैठे हुए होते हैं ना, वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो काइंडली ज़्यादा चापलूसी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन तक पहुँचाया है मैसेज पहुँच गया होगा, और उनको ना बोला जाए जिनका ये, जिनके लिए मैसेज नहीं है। तो कानों के कच्चे, अकल के कच्चे, जितना आपके अपीयरेंस है ना, इससे कई ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो शख्स हूँ जिसको दुनिया कॉपी करती है। ठीक है, आई एम नॉट ए शाहरुख खान, आई एम नॉट सलमान खान, लेकिन जितने केसेस मैंने रिपोर्ट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो या अमेरिका के अंदर जितने भी यूट्यूबर बैठे हुए हैं, हमारे इन केसेस से रिलेटेड, इन केसेस से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, 4 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मुझे बहुत कॉपी करते हैं लोग। ठीक है, तो काइंडली मुझे नेक्स्ट टाइम ललकारने से पहले कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं। मोमिन मलिक साहब ने कहा कि भाई केस में ट्विस्ट आ गया, यानी कि सीमा की शादी पड़ गई खटाई में। सीमा की शादी खटाई में कैसे पड़ी है? सीमा की शादी खटाई में ऐसे पड़ी है कि पंडित मुकर गया, उसका एफिडेविट जो है वो एक्सेप्ट भी हो गया। वो कह रहे मैंने शादी कराई नहीं है, तो साले ये कौन था, ये जो बैठा हुआ था, जो ये मैं नहीं हूँ कर रहा था, वो कौन था? ठीक है, वो मंत्र पढ़ने वाला कौन था? तो फिर वो क्या किया था वहां पर, क्या कर रहा था, ये क्या चीज थी? सीमा को, एपी सिंह को, सचिन को हाथ में वो क्या कहते, जो आप लोग के जो होते हैं रिवाज होते हैं, वो सारी चीज़ें, मंत्र पढ़ना, फेरे कराना, वो सब क्या चीज़ थी भाई? अगर तुमने ये शादी नहीं कराई है, तुम कह रहे हो कि ये शादी थी नहीं, ये टोपी ड्रामा था, तो सीमा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एपी सिंह ने सीमा सचिन मीना क्यों लिखवाया, और केस कैसे कर दिया, और एक्सेप्ट कैसे हो गया भाई? बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स हैं जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ। फिर लोग कहते हैं कि नहीं किया करेंगे भाई, नहीं करेंगे भाई। आप एक बात बताइए, ये तो सीमा की शादी जो ड्रामा था वो हम कह रहे थे ड्रामा है, कटाई में पड़ गया, पंडित ने एक्सेप्ट कर लिया। लोग कह रहे हैं कि यार पंडित जो है वो बेल से क्या कहते हैं सजा से बच गया। बच जाने दें, हमारे लिए इतना ही काफी है कि सीमा, सचिन और एपी सिंह फंस गए, नेत्रपाल फंस गए। ठीक है, पंडित को कहेंगे चल भाई सही है, तू राज कर, मौज कर बेटा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन एक्चुअल देखें कि सीमा की शादी पड़ गई खटाई में, अब वो कहा जा रहा है कि वो लाइव नहीं आ रही है, आज देखना वो लाइव आ जाएगी। ठीक,
सबको पता है कि सीमा एपी सिंह बैठे हुए होते हैं स्टैक में कि किस वक्त हमारे ऊपर जो है वो बात हो और किस वक्त हम लाइव आ जाए। ठीक है, बहुत सारे ब्लंडर्स हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं बात कर रहा कि आपके इदारे आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई डोंट केयर। ठीक, अंटिल यू पॉइंट और टारगेटेड अस, ओके, ये बात याद रखिएगा। अब कहा जा रहा है कि इस केस में ट्विस्ट आ गया है और सितंबर में हैदर जो है वो इंडिया में होगा। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने जून जुलाई अगस्त और सितंबर देख लिए और लेट्स सी हैदर जब भी होता है। ठीक है, क्या होता है, बेल कैंसिल होती है नहीं होती है उसके बारे में वही जो मैंने कल लाइव में बात की थी जिस पे एक जो है वो घुस बैठी वो पड़ गई थी, मिर्चे लग गई थी, तो वही बात आ गई है। ठीक है, मैंने जो बात की थी कि सितंबर तक ये मामला जाएगा, सितंबर तक चला गया। ठीक है, हैदर का जाना ज़रूरी है नहीं है वो एक अलग बात है, हैदर को बच्चे मिलना ज़रूरी है। सीमा के ऊपर केस हो रहा है नहीं हो रहा हमें उससे कोई फिक्र नहीं है, सीमा आज़ाद है, घूमे फिरे मौज करे, वो चार बच्चे जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो। ठीक है, हम अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से सवाल करते हैं कि आपने अभी तक क्या किया इस केस के अंदर, क्यों सीमा जो है वो रघुपुरा में जो है वो आज़ाद घूम रही है और आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दूसरा सवाल करता हूँ कि एक औरत इंडिया में जाके और हमारे मज़हब के खिलाफ हमारे रब की शान में उसके घर की शान में गुस्ताखी करती है, आपने उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, दूसरा सवाल। ठीक है, तो इसी तरीके से मज़ीद सवालात मैं आगे करता जाऊँगा। तो ये हैं वो चीज़ें जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अब किसी ने अगर कहा ना कि मैंने इंडिया के गवर्नमेंट को टारगेट किया है, मैं उसका नाम लेके वो कोई भी हजरत होगा या मोहतरमा होगी, ठीक है, मैं गालियों के नाम पे एक वीडियो बनाऊंगा, लिख दूंगा गाली वीडियो, उसकी शक्ल भी लगाऊंगा चाहे वो हमारा पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, और सिर्फ उसके अंदर गालियाँ होंगी, वो मोनेटाइज हो चाहे वीडियो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को मौका चाहिए कि शहरियार क्या बोल रहा है। अबे आई एम नथिंग यार, क्यों इतना डरते फॉर्म, खौफ से जो है ना टांगे काफ़ी टांगे लेकिन फिर भी लगे पड़े, अबे यार हद होती है दोगले बनेगी। तो भाई सीमा के केस के अंदर पंडित पीछे हट गए, अब सीमा को ये प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा कि ये शादी हुई है, ए पी सिंह को ये जो है वो पंडित की उसने क्लास ली होगी कि तुमने ये क्या कर दिया, या हो सकता है ए पी सिंह ने ही कहा हो कि चलो हमें थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा, फिर सही वक्त पे आके जब वो कह देगा कि मुझे मोमिन मलिक ने जो धमकियाँ दी थी कि अगर तू शादी से पीछे नहीं हटा तो तेरा घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दूंगा या कुछ कर दूंगा, इस टाइप की कोई बकवास करेगा आके मोमिन मलिक के खिलाफ हो। ठीक है, तो भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों तैयार रहिए हर चीज़ के लिए, आज तक शुरू दिन से अब तक जो जो बातें मैंने की हैं वो सच्ची साबित हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर कोई फख्र नहीं है मुझे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई में हो गया, मुझे अफसोस है कि जो जो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए कि ये नेगेटिव पॉइंट होगा वो हुआ है, काश मैं झूठा बन जाता, काश सीमा जो है वो आज़ाद नहीं घूम रही होती, काश बच्चे जो है स्कूल में नहीं जाते, काश ए पी सिंह जो है वो शादी नहीं कराता, सब चीज़ें उलट होती जैसा आप लोग चाहते थे जैसा हम लोग चाहते थे। ठीक है, वो जो मीठा मीठा हप हप करने वाले लोग हैं ना वो मीठा ज़्यादा नहीं खाइए, शुगर हो जाएगी। ठीक है, शुगर में ये होता है कि अगर आपको कहीं शुगर हो गई बढ़ना शुरू हो गई तो आपके कहीं ज़ख्म होता है, ज़ख्म जो फैलते 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 इतना बड़ा नासूर बन जाता है, उस एरिया को काटना पड़ता है, तो ऐसा ना हो कि आपके कहीं नासूर हो जाए वो एरिया आपका काटना पड़े। ठीक है, तो ख़ासतौर पर तशरीफ़, उम्मीद करता हूँ कि मेरा मैसेज कन्वे हो गया होगा, तो रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि काम डाउन डोंट वरी, पंडित का पीछे हटना बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया लिटरली। अब आगे आगे देखिए कि गेम पलट गई है, अब आगे नई चीज़ ए पी सिंह नहीं कर सकता, अब इस चीज़ को संभालने के लिए ए पी सिंह को और सीमा को जो है ना वो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आप समझ जाएं कि हुआ क्या है,
ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं कानून की, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी अदालतों की, हम रिस्पेक्ट करते हैं हर उस शख्स की जो हमारी रिस्पेक्ट करता है। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी जो मीठा मीठा हबहब वाले लोग हैं और कड़वा कड़वा थूथू वाले लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वहां के हो, ना कभी करूंगा। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट उनकी बिल्कुल भी नहीं करूंगा जिन्होंने हमारे मुल्क का मजाक उड़ाया है, हमें गालियां दी हैं माँ बहन की, उनकी मैं कभी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये वार्निंग है कि उधर से एक ईंट आई तो पत्थर से जवाब दूंगा, पत्थर आया तो फिर ईंटों से जवाब दूंगा, और दोनों आए तो फिर मैं जबान इस्तेमाल करूंगा और ये घूंसा पड़ेगा उन लोगों के मुंह पे, उनकी नाक पे, उनके दांत पे, 32 एक तोड़ दूंगा, चाहे 34 ही हो वो भी टूट जाएगी, कोई मसला नहीं। 64 दांतों वाली जो है ना, जैसे भगौड़ी की सार, वो नंद नंदे जेठानी है कैट ड्रैगन, उसकी तरह के जिस दांत है ना वो सारे पेट के अंदर घुसा दूंगा एक मुक्का मार के। ठीक है, क्योंकि मैं बात करता हूँ हक की, चाहे हट जाए सब। भड़कीले बयानात, भाइयों को आपस में लड़वाने वाली हरकतें, पुराने साथियों में दरारें डालने वाली, ये वो नहीं था जैसे मुगलों से बादशाह छीनी थी अनारकली वगैरह टाइप की, ये नमूनिया घुसेड़ी गई थी, वही सारे सीन इस वक्त हो रहे हैं। अनारकली अब मुगलों के दरबार में नाच रही हैं, और मुगल जो है वो अभी देखेगा ताजमहल भी बनेंगे, सबको नजर आएगा। ओके भाइयों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़।